नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर से। यहाँ देख सकते हैं गिरीश कुमार ने कमेंट किया है कि पेज मेकर में लाइन स्पेस कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले गिरीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कि पेज मेकर में हम लोग लाइन स्पेस कैसे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको आज दो तरीके दिखाऊंगा जिससे आप लाइन स्पेस बढ़ा सकते हैं। यहाँ फिलहाल देख सकते हैं मैं एडोबी पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है। यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन लिखा हुआ है। अब इसमें जो लाइन है दिख रहा होगा, ये जो लाइन है, ये पहला लाइन, फिर ये दूसरा लाइन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पैराग्राफ है पूरा। अब इस दोनों सेंटेंस जो लिखे हुए हैं इसके बीच का स्पेसिंग हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या तरीका है? तो सबसे पहला मैं इजीएस्ट तरीका दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जिस सेंटेंस या लाइन का स्पेस आपको बढ़ाना है उसे सिलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सेंटेंस के बीच का स्पेसिंग मुझे बढ़ाना है। तो पूरा का पूरा लाइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, देख सकते हैं ये मैंने, ये 1, 2, 3, 4 लाइन। आप पूरा पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये समझाने के लिए मैं सिर्फ 4 लाइन को सिलेक्ट किया और नीचे देखेंगे टेक्स्ट टूल से हमें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए ये कंट्रोल पैलेट है। अगर ये नहीं है तो इसको मैं फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ। अगर नहीं है तो आप यहाँ से विंडो में जाइए, थोड़ा नीचे आइए, ये देखिए सो कंट्रोल पैलेट, इस पर क्लिक कीजिए। तो ये वाला आपको इस तरह का पट्टी दिखाई देगा जिसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल पैलेट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये फॉन्ट का बॉक्स है, दूसरा ये देखिए फॉन्ट का साइज है। यहाँ से हम लोग साइज बढ़ाते हैं, जो टी लिखा हुआ है, और नीचे है देखिए ये जो है कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन का, ये वाला नीचे वाला, ये वाला फॉन्ट का जो टी लिखा हुआ है ठीक उसके नीचे, इससे हम लोग इसका साइज स्पेसिंग, ये लाइन का स्पेस हम लोग बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ़िलहाल दिया हुआ 14.4 दिया हुआ है। अब इसके डाउन बटन पे क्लिक करते हैं हम लोग। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारा साइज दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम 24 प्रेस करते हैं तो देखिएगा स्पेस बढ़ जाएगा। देखिए ये 24 प्रेस कर दिया, ये देखिए लाइन के, देखिए दो लाइन के बीच का जो स्पेसिंग है ये देखिए बढ़ गया। और भी ज़्यादा आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे 24 है तो ठीक है, नीचे इसके डाउन बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए 36 है, 36 पे क्लिक करते हैं। ये देखिए कितना लाइन स्पेस आप देख लीजिए, एक सेंटेंस के बीच का देखिए स्पेसिंग, देखिए 4 सेंटेंस को मैंने सिलेक्ट किया था, स्पेसिंग देखिए बढ़ गया। बहुत ही सिंपल है। इससे भी अगर ज़्यादा आपको बढ़ाना है तो पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए लाइन को, लाइन का लाइन को। उसके बाद यहाँ पे देखिए 36 दिखाई दे रहा है, 36 से ज़्यादा नहीं है। अगर आप चाहते हैं 40 बढ़ाना चाहते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे 40 हम लोग टाइप करेंगे, 40 टाइप किया मैंने और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए इंटर, और भी देखिए लाइन का स्पेस यहाँ पे बढ़ गया, देख सकते हैं। अब आप चाहते हैं नहीं, अगर पहले जैसा मुझे करना है, जैसा था भाई वैसा कर दो, तो इसको सिलेक्ट किया हुआ रहने दीजिए। उसके बाद ये जो 40 है यहाँ पे, इसके डाउन बटन पे क्लिक कर दीजिए, ऑटो कर दीजिए। तो जैसा था वैसा देखिए ये पहले की तरह हो गया। ये देखिए लाइन मेरा जैसा था, स्पेसिंग जो था वो नॉर्मल जैसा था वैसा हो गया। ये एक तरीका था कंट्रोल पैलेट से यहाँ से करने का। दूसरा मैं आपको तरीका दिखाता हूँ। अगेन मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए आप पूरा का पूरा एप्लीकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पूरा का पूरा यहाँ से ये पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिया। टेक्स्ट टूल से सिलेक्ट करना होता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेनू बार में जाएंगे, यहाँ पे देखिए टाइप, टाइप मेनू में क्लिक कीजिए, थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे देखिएगा कैरेक्टर दिया हुआ, कैरेक्टर, इस कैरेक्टर वाले पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के साथ यहाँ देख सकते हैं कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ देखिए फॉन्ट है ठीक, देखिए यहाँ पे जो जो कंट्रोल पैलेट में भी आपको दिख रहा होगा, इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए 12 है तो यहाँ भी फॉन्ट साइज 12 है, एरियल है फॉन्ट। यहाँ पे लीडिंग देखिए, लीडिंग में ऑटो दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये लीडिंग में ऑटो दिया हुआ है, यहाँ पे अगर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम लोग, ये देखिए 24, अगर मान लेते हैं इसे 36 कर देते हैं ये लीडिंग वाला जगह पे, ध्यान से देखिए फॉन्ट वाला कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन के ये लीडिंग जो दिया हुआ 36 कर दिया। उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या इसका स्पेस बढ़ता है। ओके पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे ये देखिए स्पेस यहाँ पे बढ़ गया, देखिए लाइन का स्पेस। तो यहाँ से भी मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पे देखिए 36 शो कर रहा। अगेन अब अगर आपको इससे ज़्यादा करना है
तो इसे सिलेक्ट रहने दें। अगेन आप यहाँ पे टाइप में जाइए, टाइप मेनू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है, कंट्रोल टी दिया हुआ है, तो कैरेक्टर में चले जाइए। उसके बाद कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन का ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे देखिए 36 शो कर रहा, साइज 12, सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको कंट्रोल पैलेट पे भी दिख रहा है 36 दिख रहा है। यहाँ पे देखिए लीडिंग, अब 36 से ज़्यादा अगर नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 50 या 45 कर देता हूँ मैं, 45 कर दिया मैंने, देखिए लीडिंग का बॉक्स में टाइप कर दिया। उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। अब देखिए अब कितना बढ़ता है, देखिए ये देखिए ओके कर दिया, देखिए और भी स्पेस इसका बढ़ गया, देख सकते हैं लाइन का स्पेस बढ़ गया। अब आप चाहते हैं नहीं पहले की तरह कर दो ठीक, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 45 यहाँ भी शो कर रहा, तो यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हैं, ऑटो कर दीजिएगा तो जैसा था एज इट इज़ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग टाइप में जाते हैं, यहाँ पर कैरेक्टर में क्लिक किया करने के साथ कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे लीडिंग देखिए 45 है, ये यहाँ पे क्लिक करते करके इसे ऑटो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो जैसा मेरा स्पेसिंग था स्टार्टिंग में वैसा हो गया। तो ये सिंपल तरीका मैंने आपको दो तरीके दिखाए कि कैसे हम लोग लाइन का स्पेस बढ़ा सकते हैं, पैराग्राफ का स्पेस भी बढ़ा सकते हैं, मतलब एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के जो बीच का दूरी है, गैपिंग है, उसको बढ़ा सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे गिरीश कुमार जी आपको समझ में आया होगा कि पेज मेकर में लाइन स्पेस कैसे बढ़ाते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।